हेलो बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है। थोड़ा एक बार ही आप लोग को मैं ये चाहता हूँ कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़ लेना, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, क्योंकि ये पहला पेज। ठीक है, तो हमने एक सवाल किया था जिसमें एक वायर से कोई एंगल था, समथिंग समथिंग समथिंग। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चींटी माता हट जाओ यहाँ से, हट गई। हाँ एक सेकंड, उसको नीचे छोड़ के आ रहा हूँ। मैं चींटी माता को नीचे छोड़ दिया, हम चलते हैं आगे। ठीक, तो हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट और इनफिनाइट, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनाइट हो या इनफिनाइट हो। क्यों, मैं समझाता हूँ, देखो। ठीक है, तो इसमें अब समझने की बात क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर हिस्से के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर आपने एक छोटे से हिस्से के मैग्नेटिक फील्ड पता कर ली तो सबकी पता कर ली। जैसे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक वायर है, यहाँ निकालनी है। अब छोटे एक छोटा सा हिस्सा ये है डीएल, ये आर है। तो इस डीएल और आर की, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। तो ऐसा नहीं, इसका अगर यहाँ भी डीएल बनाओगे तो उसका भी अंदर होगा, अगर यहाँ पर डीएल बनाओगे तो उसका भी अंदर होगा। तो हर डीएल हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगी। तो अगर आपने एक छोटे से हिस्से की पता कर ली, सबको पता कर ली। ठीक है, तो इसमें सोचने की बात यह है कि फॉर स्ट्रेट वायर, ठीक है, फॉर स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल डीएल लेंथ्स एज सेम डायरेक्शन। कोई भी डीएल लेंथ हो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो अगर आपने एक डीएल की निकाल ली तो फिर सबकी निकाल ली। ठीक है, अब बनाए कैसे, तो मैं क्या कहता हूँ, समझना मेरी बात, कि मैं कहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ रिंग्स विद वायर अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी तो काम चला लेना, वैसे आपको पता है मेरी राइटिंग अच्छी है ही नहीं। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनना। ठीक है, सही। अब आगे एक और चीज़ सुनना, पहले पहले सुनते रहो, बाद में समझ लेने का, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी से दिखाते हैं, इज गिवन बाय कर्ल ऑफ राइट एंड फिंगर्स अगेन थंब इज इन डायरेक्शन। मैं इसको थंब की जगह थम्स अप बोल दूंगा, थम्स अप। क्यों, मैं समझा रहा हूँ, इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात समझना आराम से। ठीक है, लेट्स सी, राइटिंग थोड़ी अच्छी, मैं थोड़ा आगे जाकर ठीक करता हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। सपोज कि ये एक वायर, अब आपको समझ है कि इससे डी दूरी में इधर जाऊँ, इससे डी दूरी इधर जाऊँ, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। क्यों, क्योंकि डी दूरी इधर जाओगे तो भी मान लो कुछ ऊपर कुछ नीचे, मान लो ये थीटा वन है, मान लो ये थीटा टू है, ऐसे यहाँ भी जाओगे तो मान लो कि ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो डी इधर डी इधर, भाई डी सेम है ना, इधर उधर डी सेम है, थीटा वन थीटा टू सेम है, तो फॉर्मूले के हिसाब से मीनो टाइप आए 4π d साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। बस अब डायरेक्शन देखना, इधर जब रहोगे तो डी एल क्रॉस आर, तो डी एल से आर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। इधर जाओगे तो डी एल क्रॉस आर, इधर डी एल क्रॉस आर कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है ना, थोड़ा देखो ये सामने ना होने का मतलब कागज़ पर समझाने की ये दिक्कत है कि मैं सामने नहीं हूँ, तो थोड़ा डायरेक्शन पे आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर अंदर की तरफ, इधर डी एल क्रॉस आर बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आपको विजुलाइज करना है
इधर अंदर है इधर बाहर है, जैसे मान लो ये तार है सपोज, ये वायर कहें, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब सोचो कि अगर पॉइंट इस तार के ऊपर होता है ना, इस पॉइंट से ऊपर होता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है? देखो अब देखो समझना इस चीज़ में, इसमें क्या है, करंट बाहर की तरफ है तो और आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर किधर जाता है? इधर की तरफ। तो एक्चुअली समझने की बात यह कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड राइट होती, इधर नीचे है इधर बाहर है। तो एक्चुअली क्या होता है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो 3D में है, मतलब समझना, यहाँ राइट यहाँ नीचे यहाँ इधर यहाँ इधर। अब सोचो यहाँ से डी दूरी पर कहीं भी जाओ एक सर्कल बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, उसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर होगी राइट, यहाँ नीचे होगी यहाँ इधर होगी यहाँ इधर होगी, सोचो इधर नीचे ठीक है, इधर ऊपर ऊपर राइट होगी, तो बेसिकली इसके आसपास एक रिंग बन जाएगी ठीक है। तो रिंग बनने का मतलब क्या हुआ कि सपोज़ कि ये एक तार है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना आपसे हमेशा, मैं पहले बता रहा हूँ कि जो भी सॉलिड हिस्सा है वो पेपर से बाहर है और जो ऐसे डॉटेड हिस्सा पेपर के अंदर है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी हो जाएगी। ऐसी का मतलब समझना मेरी बात, ये बाहर है ये अंदर है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर बाहर की तरफ, और ये ऊपर एक्चुअली ये इधर नहीं है ये ऐसे ऊपर है, तो इधर राइट और नीचे लेफ्ट, समझो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो किसी भी तार के आसपास क्या हो जाता है, किसी भी तार के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, वो रिंग्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि मान लो ये तार है ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो रिंग्स के फॉर्म में होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो ऐसे रिंग के फॉर्म में होती है ठीक है, इस तरह के और इधर की तरफ ठीक है। अब यही तब ये जब करंट ऊपर हो, सपोज करंट नीचे हो, तो करंट नीचे होगा तो सिंपल है, ये डीएल क्रॉस आर अंदर है तो वो करंट नीचे होगा, तो वही डीएल क्रॉस आर आप ऊपर हो जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है ना। तो ऊपर होने का मतलब कुछ नहीं कि यहाँ ऊपर हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ठीक है, तो अभी भी रिंग बनेंगी आपके पास, रिंग तो अभी बनेंगी, लेकिन फ़र्क क्या है रिंग बनने का, अब ध्यान रखना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगी, इधर अंदर हो जाएगी, तो उल्टा चलेगा मामला, ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ बाहर यहाँ क्या होगी अंदर ठीक है, यहाँ बाहर यहाँ अंदर यहाँ बाहर यहाँ अंदर, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ठीक है बच्चों। अब मैंने आपसे क्या कहा, जो मैंने इतनी सारी राम कहानी लिखाई ठीक है, उस राम कहानी का मतलब समझो, मैंने आपसे क्या बोला कि एक तार है, मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास गोल गोल होती है रिंग, तो इसके आसपास आपने रिंग बना दी। अब रिंग बनाने के बाद यही तो है कि वो रिंग जो होंगी वो बेसिकली ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, ये तो है। कैसे करते हैं कि हम इधर अंगूठा रख लेते हैं, थम्सअप सा बना लेते हैं ठीक है, हमने इधर अंगूठा रख लिया, अब हाथों कर लिखते हैं, तो हाथों कर कैसा, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, तो हाथों कर इस टाइप का है, तो वो इधर अगर करंट ऊपर होगा तो ये इस टाइप का होगा ठीक है ना, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, जैसे ही है। लेकिन जब करंट नीचे होगा तो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा हाथों कर्ल बनाएंगे, लेकिन हाथों कर्ल बनाएंगे, अगर आप थोड़ा दिखाना मुश्किल है कि समझना मेरी बात, अगर आप इधर अंगूठा करोगे तो वो कर्ल ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप की होगी। वो तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक तारों को, आपको तार को ऐसे हाथ में ऐसे होल्ड करना है और ऐसे मतलब बेसिकली इसको कर्ल बना लेना है, तो इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट नीचे जाएगा तब भी कर्ल बनाना है, लेकिन वो कर्ल इस टाइप का हो जाएगा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से हो जाएगी ठीक है ओके। अब इस चीज़ को मैं आपको जैसे कुछ गूगल पे इमेज उससे समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये एक इमेज है, आई होप यू कैन सी इट ठीक है, एक सेकेंड, आई होप नाउ यू कैन सी इट, कि करंट ऊपर है तो अंगूठा ऊपर कर लिया, एक हाथों कर्ल ऐसे देगा ठीक है ना, ये करंट ऊपर है तो इसके आसपास ऐसे कर्ल बना लिया ठीक है। अब इतना अच्छा डायग्राम मैं तो बना नहीं सकता, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं बने हुए हैं तो फ़ायदा उठाओ। अब देखो ऐसे ही है, करंट ऊपर है तो हाथ पर कर्ल बना ली, इस तरह की रिंग बन गई ठीक है। ये देखो ये करंट ऊपर है तो ऐसे क्या किया, मैंने अंगूठे से इसको पकड़ लिया, इस टाइप की रिंग बन गई ठीक है। और भी आप ऐसे देख सकते हो गूगल पे हज़ारों डायग्राम है ऐसे ठीक है, यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ डायग्राम लाइक दिस ठीक है। अब करंट ऐसे है तो ऐसे कर्ल बना लिया, अंगूठे इधर कर दिया, तो बेसिकली क्या करना है, उस वायर के आसपास रिंग्स बनानी है ठीक है, बस रिंग की डायरेक्शन जज करनी है ठीक है बच्चों ओके। अब चलते हैं आगे ठीक है, तो अब हम ये तो हमने एक केस देख लिया था, अब मान लो कि हम और केसेस देखते हैं, इस वायर की ओरिएंटेशन बदलते हैं, केस नंबर दो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि सपोज अब वायर मान लो इधर की तरफ है,
तो इसके आसपास भी रिंग बनानी, तो इसके आसपास आप रिंग बनाओगे तो रिंग ऐसी बनेंगी। अब रिंग तो बन गई, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कैसे करेंगे? तो इधर अंगूठा रखेंगे, तो ये जैसे मान लो ये वायर है, इसको मैंने अंगूठे की तरफ पकड़ा तो ये हाथ ऐसे आ गया, तो इसमें जो एरो होंगे वो ऐसे होंगे नेगेटिव फील्ड के, समझ में? ये ऊपर से ऐसे आया, मतलब बेसिकली ये ऐसे है, ठीक है ना? इधर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही मान लो कि अगर मैं एक वायर को सपोज ऐसे दिखा दूँ, इसका मतलब करंट का अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है, तो करंट ऐसे हो गया, है ना? ऐसे होगा ना अंदर की तरफ, तो इसके आसपास फिर रिंग बन जाएंगे, ठीक है? अब रिंग बनेगी, तो अंगूठा इसकी तरफ करोगे आप, तो अंगूठा नीचे करोगे आप बेसिकली, तो बेसिकली ये जो रिंग्स होंगी वो ऐसे आ जाएंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऐसी करंट बाहर होगा तो आप देख सकते हो, जैसे मान लो करंट ऐसे है तो भी इसके आसपास रिंग बनानी है आपको, ठीक है? अब करंट इधर है तो आपको फिर एरो बनाने, तो एरो ऐसे बनेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप डायरेक्शन समझ सकते हो। तो हम डायरेक्शन समझ गए, आई होप। अब हम लोग कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि सिंपल तो नहीं है, क्योंकि मान लो सब उसकी ये एक वायर में करंट आई है, फिर मैं बता रहा हूँ ऐसी कोई वायर होती नहीं है, ऐसी वायर में तो इसके आसपास कहीं से करंट आया कहीं गया, हम बस इतने हिस्से को कंसिडर कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ये मान लो 37 डिग्री है, ये मान लो 16 डिग्री है, ठीक है? और ये दूरी तुम्हारे पास L है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है? सेम वही क्वेश्चन जैसे पहले था। अब ये जो D होता है वो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो बात है इसमें D कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, D है, ये चीज़ D है, तो आप क्या करोगे, cos 37 कितना हो जाएगा, D बाय L। cos 37 क्या होता है, 4/5 D बाय L हो गया, तो आपके पास D क्या हो गया, 4L/5, पहली चीज़ ही होगी, ठीक है? अब हम ध्यान रखते हैं कि थीटा वन थीटा टू क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला है, इसे बता रहा हूँ कि भाई ये वायर है, थीटा वन कुछ नहीं होता, थीटा वन ऊपर वाले पॉइंट का एंगल होता है, तो ऊपर वाले पॉइंट का एंगल कितना है, 37 + 16, तो टोटल कितना होगा, 53 डिग्री। कहाँ से आया, 37 + 16 से, ठीक है? अब बात करते हैं नीचे वाले पॉइंट का, नीचे वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है? अब नीचे वाला पॉइंट का एंगल जो है वो है 37 डिग्री, लेकिन ध्यान रखना आप थीटा वन तो लिखोगे 53, लेकिन थीटा टू -37 लिखोगे। तुम बोलोगे सर क्यों, मैं बोलूँगा इसका रीज़न ये है बच्चों कि जब आपने डेरिवेशन किया था तो थीटा वन का मतलब थीटा वन ऊपर की तरफ था, थीटा टू का मतलब थीटा टू नीचे की तरफ है। अब थीटा टू का मतलब थीटा टू नीचे हुआ, अब यहाँ पर एंगल 37 है, तो 37 का मतलब अगर मैं थीटा टू को 37 लिख दूँ इसका मतलब 37 नीचे की तरफ, गलत। अगर मैं थीटा टू को -37 लिख रहा हूँ तो -37 नीचे की तरफ हुआ, -37 नीचे का मतलब 37 ऊपर की तरफ। तो ध्यान रखना बाय कन्वेंशन थीटा टू कहाँ होता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना? तो इस केस में क्या करते हैं, हम ऊपर बना देते हैं, अगर ऊपर है तो -37 लिख देते हैं, ठीक है? अब सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है, बी बराबर म्यू नॉट आई बाय जो हुई है ना, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4π d साइन थीटा 1 + sin θ 2। तो म्यू नॉट आई बाय 4π d, डी की जगह क्या करेंगे, 4L/5, साइन थीटा 1 क्या हो गया, साइन 53 प्लस साइन थीटा 2 क्या हो गया, साइन -37, ठीक है? अब इसके हम वैल्यू लेते हैं, पेज नंबर 3 पे चलते हैं, तो पेज नंबर 3, तो बी कितना हो गया आपके पास, म्यू नॉट आई बाय 5 म्यू नॉट कहाँ से आई, ये 5 ऊपर चला गया, 4 × 4 = 16 बाय 16π L साइन 53, साइन 53 कितना होता है, 4/5, ठीक है? साइन -θ इज -sin θ, तो -sin 37 कितना हो गया, 3/5, ठीक है? तो ये 4 में से 3 का 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 16π L। सो दिस इज द आंसर, ठीक है? होप सो आई एम राइट। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं, ठीक है?
हम दो तीन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इन सब क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपको डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। देखें बच्चों, चलो लेट्स सी। मान लो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, नहीं करें करें, चलो करते हैं क्वेश्चन। ठीक, ये एक स्क्वायर में आई करंट जा रहा है। हेलो, क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस केस में बी एट सेंटर, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। स्क्वायर मान लो ए क्रॉस ए दे रखा, मतलब उसकी दोनों साइड ए हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो करते हैं, तुम क्या करते हैं, सेंटर पर निकालना है, समझना इस चीज़ को। जोड़ो जोड़ो सेंटर, ठीक। अब जैसे मान लो ये दोनों एंगल 45 45 हो गए, नहीं टोटल 90, ये दोनों सेम ही होंगे। अब ये सोचना कि करंट ऐसे है, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ये तार भी करंट ऐसे है, ये दोनों ऐसे हो गए, ये तार में भी करंट ऐसे है, दोनों ऐसे हो गए, ये तार में करंट नीचे है। तो ध्यान रखना कि कोई भी तार होगी, चारों तार 1 2 3 4, सबका डी क्या होगा, सेम होगा, सबके दोनों एंगल 45 होंगे। तो B1 B2 B3 B4 सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी निकाल लेंगे, डी वैसे कुछ नहीं होना, ये टोटल ए है तो डी ए बाई 2 होगा, ठीक है। साइन 45 प्लस साइन 45, ठीक है। अब साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 41 बाय रूट 2, ये भी 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 इज रूट 2, तो ये हो गया म्यू नॉट आई, है ना, रूट 2 डिवाइड बाय 4 पाई डी, सही। अब समझना दोनों में सब मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। अब डायरेक्शन देखते हैं, ये जो तार है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी देखना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लो, उसके कारण निकाल लो। तो इस तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान रखनी सबके कारण सेम ही होगी ना। अब इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डीएल हिस्सा लेते हैं और यहाँ निकालना है, तो ये तो यहाँ से आर हो गया, तो एक बिल्कुल सेंटर वाला डीएल हिस्सा लेते हैं। तो सेंटर वाला डीएल हिस्सा लोगे तो डीएल क्रॉस आर अंदर आ जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड। देखो डीएल ऊपर होगा, आर इधर होगा, तो आप डीएल से आर जाओगे तो आपका थंब अंदर जाएगा, ठीक है। मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन समझ लेना कि यहाँ से देखने पर डीएल इधर होगा, किसी भी हिस्से का सेम होगा, बीच वाले हिस्से का ले लो अंदर। इसमें भी डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल क्रॉस आर यहाँ पर भी अंदर ही आएगा, यहाँ भी डीएल क्रॉस आर करोगे अंदर ही आएगा, और यहाँ भी डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल नीचे होगा, आर इधर होगा, डीएल क्रॉस आर अंदर ही आएगा। जब सबकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, इसका मतलब सबकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाएगी, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 4B, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। और ये इनसाइड होगी, ठीक है, तो 4B इनसाइड। तो बेसिकली करना कुछ नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई रूट 2 बाय पाई डी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, काम खत्म, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोग पॉज करके ट्राई करना। द क्वेश्चन इज लाइक कि ये चार वायर है ना, 4 आइडेंटिकल वायर्स फॉर्मिंग स्क्वायर ए इंटू ए, बी एट सेंटर, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। बेसिकली क्या हुआ, करंट आया आई, करंट यहाँ चला गया आई, ठीक है, ऐसे आया ऐसे चला गया। और सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ये सेंटर की लाइन में आया करंट, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक। आप लोग सोचो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनो, करंट आया
मान लो इस तार का डिस्टेंस आर एस का आर, तो टू आर ई होगा, टू आर ई होगा, तो दोनों साइड डिस्टेंस सेम है, दोनों साइड करंट भी क्या होगा सेम होगा, मतलब यहाँ भी आई बाई टू, यहाँ भी कितना होगा आई बाई टू, यहाँ भी आई बाई टू, यहाँ भी आई। मैं आपको फिर बता दूँ इस चैप्टर में डायरेक्शन प्रमुख है, फॉर्मूले सबको आते हैं। अब समझना मेरी बात, इस आई बाई टू के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी डी एल क्रॉस आर, किधर होगी अंदर की तरफ, डी एल क्रॉस आर अंदर की तरफ। इसके कारण सोचो, इसके कारण भी अगर आप देखोगे तो डी एल इधर आर इधर, तो डी एल क्रॉस आर कहाँ होगी अंदर की तरफ। इसके कारण देखना, इसके कारण देखना, डी एल इधर आर इधर, डी एल क्रॉस आर, इसका डी एल क्रॉस आर ऊपर आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी डी एल क्रॉस आर बाहर की तरफ। अब सोचो इन चारों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डी ये हो जाएगा, सबका डी सेम है, ठीक है। साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों साइन 45 आएंगे, ये और दोनों एंगल, और दोनों में करंट में आई बाई टू आएगा, इसमें भी आई बाई टू, इसमें भी आई बाई टू, इसमें भी आई बाई टू, इसमें आई बाई टू। अब समझना मेरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में कटेगी, क्योंकि ये नीचे ये ऊपर, ऐसे ये और ये आपस में कट जाएगी, मतलब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पर कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि आमने सामने वाली कट जाएंगी, बिकॉज आमने सामने वाली कट जाएंगे। आगे चलते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, पिछले जैसा ही है। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये एक स्क्वायर है, ये फिर चार आइडेंटिकल वायर्स हैं फॉर्मिंग अ स्क्वायर ए क्रॉस ए। फिर ऐसे ही हुआ, करंट आया यहाँ से आई और यहाँ आई चला गया। अब ध्यान रखना, पहले ऐसे जा रहा था, अब इधर चला गया। अब ये बताना बी एट सेंटर, ठीक है, लेट्स सी। अब समझना मेरी बात, इस आई के दो टुकड़े होंगे, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, सही है। पहले तो क्या था, करंट जब यहाँ से निकल रहा था, ये भी टू आर, ये भी टू आर था, ठीक है, तो दोनों में करंट सेम था। लेकिन अब क्या है, ये रास्ता आर वाला, ये रास्ता थ्री आर वाला, तो हमेशा करंट चाहता है कि हल्के रास्ते से जाए। हल्के रास्ते जाने का मतलब क्या हो गया, कि करंट यहाँ से ज़्यादा जाएगा, यहाँ से कम जाएगा। अब कितना जाएगा ये हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे का रेजिस्टेंस, बेसिकली क्वेश्चन ये हुआ कि आपके पास आई करंट आया और एक आर था और एक क्या था, थ्री आर था। अब करंट डिवाइड करना है, तो मुझे पता है इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम का मतलब कि मान लो इसमें करंट आई वन है, मान लो इसमें करंट आई टू है, तो सिंपल सी बात है, आई वन आर इज इक्वल टू आई टू थ्री आर। इसका मतलब आई वन बाय आई टू कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। तो इसमें तीन गुना जाएगा, तो सिंपल है, आई वन प्लस आई टू आई होना है, और इनका रेशियो थ्री इज टू वन है, तो इसमें थ्री इज टू वन। तो मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, 500 बार पहले बता चुका हूँ, तो मैं बस सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करंट, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ आई है, यहाँ पे आई गया, तो थ्री इज टू वन है, तो इसमें तीन इसमें एक, तो इसका मतलब ये जाएगा थ्री आई बाय फोर, और यहाँ कितना चले जाएगा आई बाय फोर, ठीक है। सॉरी थोड़ा आउट ऑफ फोकस होगा, तो फिर बता रहा हूँ, इसमें थ्री था इसमें वन था, नीचे वाले में आर में थ्री था इसमें वन था, थ्री इज टू वन था, ठीक है ना, तो इसमें थ्री आई बाय फोर, इसमें आई बाय फोर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब समझना, ये जो तीन तार हैं ऊपर वाली, इन तारों की मैग्नेटिक फील्ड देखना कहाँ होगी। अब इसमें क्या करो, अगर आप यहाँ पे एक आर बनाते हो तो डी एल क्रॉस आर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। इसमें बनाओगे तो डी एल क्रॉस आर, अपनी कॉपी में खुद करके देख लेना, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिखाना मुश्किल है। इन तीनों कारण अंदर होगी। अब इसके कारण इसका डी एल इधर है, ठीक है ना, तो डी एल क्रॉस आर, इसका डी एल क्रॉस आर बाहर आएगा, ठीक है, समझ में बात। अब क्या करते हैं, बी ड्यू टू आई बाय फोर, आई बाय फोर की जो वायर है, ड्यू टू वन आई बाय फोर वायर, किसी एक आई बाय फोर के कारण कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी। दोनों एंगल जो होंगे किसी वायर के, दोनों एंगल कितने होंगे, 45, साइन 45 प्लस साइन 45, तो टू साइन 45। अब ये तो एक वायर के कारण हो गया, तीनों वायर के कारण अंदर ही है, तो बी नेट ड्यू टू थ्री आई बाय फोर वायर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तीनों वायर्स के कारण, आई बाय फोर वायर्स के, वो क्या होगी, इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो,
तो म्यू नॉट इंटू 3i/4 डिवाइड बाई 4πd इंटू 2 sin 45। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब बात करते हैं जो 3i/4 वायर है। तो बी डैश ड्यू टू 3i/4 वायर, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी बच्चों, म्यू नॉट आई की जगह 3i/4 डिवाइड बाई 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो यहाँ भी क्या होगा, ये जो 3i/4 है इसके कारण भी क्या होगा, ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, साइन 45 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 डबल हो गया। अब आप ये सोचो कि ये और ये मैग्नेटिक फील्ड सेम, एक्चुअली क्या था उसमें, एक तार की i/4 थी, तीन तार थी तो 3i/4 होगी। यहाँ पे तीनों, यहाँ पे अकेले की 3i/4, इसका मतलब क्या हुआ, बी और बी डैश इक्वल है, लेकिन फ़र्क ये हो रहा है कि इन तीनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है बच्चों, इन तीनों कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण बाहर है। इसका मतलब बी और बी डैश जो है वो बी नेट और बी डैश इक्वल एंड अपोजिट है। तो बी नेट एंड बी डैश आर इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, बी डबल डैश बोल दो, जो बोल दो फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इज इक्वल टू जीरो एट सेंटर। सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ओके,